हे फ्रेंड्स, देखिए आज फिर से एक ज़बरदस्त कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें देखिए सिर्फ प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्ज में कुछ भी नहीं है। ये बस ट्रेडिंग का दिखा रखा है कि 7.5 गुना बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे प्रॉफिट करती है कोई कंपनी तो ये बढ़ जाता है, ऐसी कोई इसमें कॉन्ज वाली बात नहीं है। लेकिन प्रोज अगर देखें, देखिए जो फेवर में कंपनी के है, ये डेब्ट फ्री है, एक तरह से अपना डेब्ट इसने रिड्यूस किया है और एक अच्छा गुड क्वार्टर ये देने वाली है। और पिछले 5 सालों से CAGR देखें आप 80% का है, और साथ ही साथ डिविडेंड पे आउट भी बना रखा है 58% का, और सिर्फ 9 रुपये का ये शेयर है। बहुत ही शानदार रिटर्न इन फ्यूचर ये दे सकता है। तो दोस्तों, अगर देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं और बहुत शानदार शानदार स्टॉक हम यहाँ लाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई स्टॉक आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए, पूरी फुल एनालिसिस वीडियो। तो अभी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। और देखिए कंपनी का अगर सेक्टर देखें तो FMCG सेक्टर में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है हमें, और इसके जो कंपैरिजन में हैं वरुण बेवरेज, हटसन एग्रो, ZS वेलनेस, तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जो इसके कंपैरिजन में आती हैं। अगर कंपनी थोड़ा बहुत भी एक किसी एक की बराबरी करती है तो बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी दे सकती है। देखिए 2016 से ये FMCG में कंपनी आई है, तो उसके बाद सेल्स देखते हैं। देखिए 116 थी 2016 में, फिर 256 हुई 2017 में, फिर 388 हुई, फिर 482 हुई 2019 में, बीच में 482 सेम रही 19 और 20 में, लेकिन 21 में फिर 351 हुई, थोड़ी कम हो गई। लेकिन फिर से देखिए एक ग्रोथ की ओर कंपनी चल पड़ी है, अब 619 ये हो गई है बढ़कर। और अगर प्रॉफिट देखें कंपनी के, तो देखिए प्रॉफिट भी जहाँ कभी नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ करता था, वहाँ 1 करोड़ 6 करोड़, फिर 12 करोड़, दुगना, फिर यहाँ 2 क्वार्टर 19 और 20 में हाल सबको पता ही है क्या हुआ था, फिर 21 और 22 में 43 करोड़, बहुत ही शानदार हैं। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट अब कंपनी कर रही है। EPS में भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है कंपनी की, 0.43 की EPS हो गई है, जो कभी 0.02 या 0.00 की हुआ करती थी। देखिए अगर सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखें तो पिछले 5 सालों में 14% से, पिछले 3 सालों में 1% से बढ़ी है, क्योंकि इस 3 साल में 2019 और 2020 भी इंक्लूड है। लेकिन फिर देखिए इस साल 47% से बढ़ी है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो शानदार है, पिछले 5 सालों में 80%, 3 सालों में 39%, और इस साल तो 310% की एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। और अगर इसके रिजर्व देखें तो रिजर्व देखिए हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जहां रिजर्व में कुछ नहीं हुआ करता था, 0 थे, वहां अब 23 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं, और कर्जा जो है कर्जा भी 41 करोड़ का हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, कर्जे को कम कर लेगी, और जो हमारे रिजर्व हैं ये बढ़ते हुए हमें अब दिखाई देंगे शानदार, क्योंकि एक रिकवरी कंपनी में आ रही है। और लास्ट में देखते हैं, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ भी 50% लगभग पब्लिक के पास है और 50% लगभग है प्रमोटर्स के पास, तो बराबर बराबर है लगभग। लेकिन इस पब्लिक में अगर आप देखें तो देखेंगे कि कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास पब्लिक में भी बहुत अच्छी एक होल्डिंग है। देखिए ये हैं कोई राजेश कुमार, इनके पास लगभग 5%, फिर बसंत भाई हैं ये, इनके पास 5%, फिर राजेश प्रभु दास पटेल, इनके पास भी है लगभग 5% की, तो 15% ये चला गया। फिर है रवि कुमार आर पटेल, इनके पास भी 5%, तो कुल मिला के ये कोई पटेल फैमिली लगती है जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार एक होल्डिंग बनी हुई है। देखिए सभी के पास 4 से 5% की, सिर्फ एक इनको छोड़ दिया है तो इन पे 3% की है, तो बहुत शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें एक नज़र आता है। देख लेते हैं कंपनी क्या है, कौन सी है। कंपनी का नाम है देखिए मिष्ठान फूड लिमिटेड, FMCG में ये काम काज करती हुई हमें दिखती है, और सिर्फ 900 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस देखिए 900 करोड़ की है, करंट प्राइस चल रहा है 9 का, और 19 रुपये हाई गया था, 7.80 रुपये लो है, तो अपने लो के पास मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। PE भी सस्ता है 20 का, बुक वैल्यू 1.23 की, और डिविडेंड यील्ड है देखिए 0.04 का, मतलब इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी डिविडेंड कंपनी देती है।
और अगर ROCE देखें 38% का और ROE 37% का है, फेस वैल्यू एक की है, तो बहुत शानदार कंपनी एक ग्रोथ बनाए हुए है और इन फ्यूचर बहुत अच्छा करने की इसकी उम्मीद है। तो दोस्तों देखिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।